आपको 2 साल पहले नोटबंदी के बाद का वो मंजर याद होगा जब पूरा देश एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में लगने को मजबूर हो गया था। नगदी संकट इस कदर छाया था कि आम आदमी गिन गिन कर रुपए खर्च कर रहा था। ऐसी स्थिति देश में एक बार फिर होने जा रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों आपको सावधान कर रहे हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल पिछले दिनों ही उद्योग संगठन कन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री यानी कैटमी ने आगाह किया कि मार्च 2019 तक देश के आधे एटीएम बंद हो सकते हैं। दरअसल केंद्रीय बैंक की ओर से हाल ही में एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें एटीएम का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए कहा गया है। इसकी वजह से एटीएम चलाने का खर्चा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सर्विस प्रोवाइडर देश के करीब 1,13,000 एटीएम बंद करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त भारत में करीब 2,38,000 एटीएम मशीनें हैं। इनमें से 1,00,000 ऑफ साइड और 15,000 से ज्यादा व्हाइट लेबल एटीएम हैं। ऐसे में ज्यादा खर्च होने के चलते सर्विस प्रोवाइडर ये फैसला ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि आम जनता के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज के अर्थशास्त्री अमित भोसले ने बताया कि अगर मार्च 2019 तक देश के आधे एटीएम बंद होते हैं तो देश में नकदी की कमी, बैंकों में लंबी लंबी कतारें और एक बार फिर नोटबंदी जैसी सामान्य स्थिति उत्पन्न होगी। ग्रामीण और शहरी इलाके इससे ज्यादा प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि 8 नवंबर 2016 को जब पीएम मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था उस वक्त भी देश में हाहाकार मच गया था, पूरा देश सड़क पर आ गया था। वहीं एक बार फिर ऐसी स्थिति की आशंका जताई जा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुँचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।